दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आप कौन सा शैम्पू लगाते हो जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकदार हैं, बालों का टूटना झड़ना नहीं होता है और आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं। तो दोस्तों, मैं उन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि दोस्तों, आप जो भी शैम्पू लगाते हैं उस शैम्पू की जगह आज का ये मैजिकल शैम्पू को रिप्लेस करके देखिए। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बाल बहुत ही चमकदार सिल्की शाइनी होंगे, उसके साथ साथ ही बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, मेरे खुद के रियल बाल हैं और बहुत ही खूबसूरत अच्छे हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए, आपके बाल अच्छे होंगे। दोस्तों, होप सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सेम वीडियो का शॉर्ट्स वर्जन देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और शॉर्ट सेक्शन में सेम वीडियो का शॉर्ट्स देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस रेमेडी को बनाने के लिए, आज के इस मैजिकल शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहला सामग्री आपको चाहिए होगा फ्रेश एलोवेरा। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने दो फ्रेश एलोवेरा की टहनी काट करके ली हुई है, इसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर लिया हुआ है। दोस्तों, फ्रेश एलोवेरा आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। अगर आपके स्प्लिटेंस बाल हैं, डैमेज बाल है, बहुत ही ज़्यादा बालों इन्फेक्शन की समस्या है, उसके साथ साथ ही आपकी गर्मियों के मौसम में बालों में बहुत ही ज़्यादा फोड़े फुंसवे हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उन सभी चीज़ों को भी दूर करता है। यानी कि आपको समर में एलोवेरा का आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जो एलोवेरा का तासीर होता है वो ठंडा होता है, ठंडे मौसम में जब आप लगाओगे तो आपको सर्दी वगैरह पकड़ने का डर रहेगा, इसीलिए गर्मियों का मौसम में एलोवेरा बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बालों के नरिश करने के साथ साथ ही आपके बालों की जड़ों को ठंडक देता है और शांत करता है, जिससे गर्मी की वजह से जो आपके जो स्कैल्प पे फोड़े हो जाते हैं, घमौड़ियाँ हो जाती है और पसीने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है, तो आपको जो है ये एलोवेरा का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों के मौसम में। इसलिए इस रेमेडी को आप गर्मियों के मौसम में ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। दोस्तों, तो क्या होता है, जब भी आप किस तरह का एलोवेरा लगाते हो तो आपके पास टाइम रहता है, दिन का धूप रहता है, तो ईजिली इस वाले रेमेडी को आप यूज़ करके इस्तेमाल करिए, शैम्पू करिए और वॉश करके अपने बालों को सुखा सकते हैं, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए गर्मी में आप अपने बालों के नुस्खा में जो है एलोवेरा को ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पर अक्सर लोग ये भी पूछते हैं दोस्तों मुझसे कि गर्मियों के मौसम में क्या ये रेमेडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आज का ये रेमेडी बहुत ही परफेक्ट है। बहुत सारे रेमेडीज़ आप नहीं लगा सकते हैं, ठंडे के मौसम में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जो तासीर होता है वो ठंडक वाला होता है, जिससे आपके जो है सर्दी पकड़ने का डर होता है, कोल्ड कफ़ का डर होता है। लेकिन गर्मियों में आप कोई भी रेसिपीज ईजिली लगा सकती हैं, तो एलोवेरा का तासीर ठंडे की वजह से आप इसको ईजिली गर्मियों के मौसम में अप्लाई कीजिए, जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ। तो आज की रेमेडी बहुत ही खास है एलोवेरा का, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से एलोवेरा का पल्प निकाल लिया, आपने देखा अभी किस तरीके से मैंने निकाला है, दोनों तरफ से जो कांटे वाले पार्ट को काट करके हटा करके उसके बीच से जो है ऊपर का स्किन निकाल करके चम्मच की मदद से हमने इसका फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल लिया। अगली सामग्री आपको लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी दोस्तों हमारे बालों के लिए आजकल बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल आप आए दिन देखते होंगे कॉफ़ी के बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो बालों से रिलेटेड हो या फिर हमारे स्किन से रिलेटेड हो, तो यानी कॉफ़ी हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इसलिए इसके इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी आते हैं। दोस्तों, नेचुरली स्किन में ग्लो करने के साथ साथ ही हमारे बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है, बालों में नेचुरल कंडीशनर देता है, नेचुरल कलर ऐड करता है। अगर आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं समय से पहले ही, जो अक्सर लोगों को आजकल हो रहा है, तो उसको भी ये कवर करता है। जो बाहर के डाई करने से अच्छा है कि इस तरीके का होम रेमेडीज यूज़ करके आप अपने ग्रे हो रहे बालों को कलर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगली सामग्री जो मैंने ली है ये है ऑलिव ऑयल। दोस्तों, अक्सर ऑलिव ऑयल जो होता है मार्केट में, बालों के लिए कौन से लगाना है वो सभी को पता नहीं होता है। आपको लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों को नरिश करता है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन डाल दिया हुआ है। उसके साथ साथ ही दोस्तों, आप अपना फेवरेट शैम्पू जो भी आप अपने बालों में यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पर दो पाउच जो है हेड एंड शोल्डर्स का डाल रही हूँ।
तो आप कोई भी शैम्पू ऐड करें जो भी आपके पास है या फिर जो आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों शैम्पू बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन डायरेक्ट आप अपने स्कैल्प पे शैम्पू ना लगाएं, इस तरीके का DIY शैम्पू बना करके बालों पे लगाएं। तो यहाँ पे मैंने आधा ग्लास थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक देखिएगा स्मूथ टेक्स्चर जैसा आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आप अपने बालों को जब वॉश करोगे ना तो बाल आपके बहुत ही अच्छे होंगे, स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बालों को नेचुरली नरिश करेगा, क्योंकि जितने भी हमने इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं सभी के सभी काफ़ी अच्छे हैं। खास तौर पे हमारा एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा है, कॉफ़ी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने बालों पे करिएगा तो बालों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, बाल का जो झड़ना है वो रुकेगा और उसके साथ साथ ही ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा इसी तरीके का शैम्पू हेयर DIY बना करके अपने बालों पर लगाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि एलोवेरा और कॉफ़ी, बहुत सारी रेमेडीज़ है जिसको मैं यूज़ करती रहती हूँ। आप भी इसी तरीके का कोई ना कोई रेमेडी यूज़ करते रहिए, सभी के सभी रेमेडी घर के नुस्खे होते हैं तो बिना किसी नुकसान के आप अपने बालों पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो रेमेडी बनाने के बाद आप कोशिश अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के लिए दोस्तों जब भी आप वॉश करते हैं अपने बालों पे इसको अच्छे से स्कैल्प को मसाज करें कुछ देर तक, तभी तो जितने भी आपने मेहनत की रेमेडी को बनाने में उसका थोड़ा फ़ायदा होगा। इसका गुडनेस आपके बालों में होना चाहिए ना, कम से कम 10-5 मिनट तक अच्छे से लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, 10 मिनट तक बालों में लगा रहने दीजिए, फिर आप इसको रिंज कर लीजिए। दोस्तों करके देखिए, कुछ ही दिन में इसके रिजल्ट इतने चौंकाने वाले होंगे, बाल बहुत ही नरिश्ड, मुलायम, खूबसूरत, स्प्लिट एंड फ्री, डैमेज फ्री, बहुत ही खूबसूरत होंगे। दोस्तों मेरे खुद के रियल और बहुत ही खूबसूरत बाल है, मैं हमेशा घर का रेमेडी घर का नुस्खा ट्राई करती रहती हूँ, इसलिए इसके फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन क्या करूँ मैं, आपको यकीन करने के लिए आपको खुद इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ दिन आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, फ़र्क ज़रूर दिखेगा दोस्तों मुझे, क्योंकि फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो आप इमीडिएटली स्टॉप कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। होप सो आपको आज का वीडियो बहुत ही मैजिकल लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आप सबसे एक बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ, मैजिकल नुस्खे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।